आप देख रहे हैं एनटीवी टाइम। जान हथेली पर लेकर जर्जर पथरीली गड्ढों वाली सड़क से गुजरने को मजबूर राहगीर। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में बरसों पहले बने नाहरगढ़ से बिल्लोद रोड अपनी दुर्दशा पर खून के आंसू बहा रहा है। सालों से इस रोड की हालत छिन्न भिन्न स्थिति में होकर जर्जर हो गई है। रोड की दशा पर न लोक निर्माण विभाग ध्यान दे रहा है, न ही प्रधानमंत्री ग्राम सड़क विभाग और न ही जनप्रतिनिधि ध्यान दे रहे हैं। सैकड़ों गांवों की जनता इसी रोड से होकर खस्ता हाल पत्थरों और गड्ढे वाले रोड से होकर परेशानी का सामना करते हुए जान हथेली पर लेकर गुजरना पड़ता है, लेकिन फिर भी जिला प्रशासन और ना ही किसी और जिम्मेदार का ध्यान इस ओर आया। कई वर्षों से बारिश के 3-4 महीने आवागमन बंद रहने से जनता और राहगीर वाहन चालकों को कई किलोमीटर का लंबा सफर कर दूसरे रास्ते से गंतव्य तक जाना पड़ता है। भारी परेशानी से कई बार जनता ने अपनी मांग प्रशासन से रखी, जिसमें बस संचालक संघ द्वारा जिला प्रशासन को ज्ञापन देकर रोड दुरुस्ती की मांग की गई, लेकिन आज दिन तक इस रोड का निर्माण नहीं हुआ। जनता की मांग है कि 2 विधानसभाओं को जोड़ने वाली इस सड़क की तरफ जिला प्रशासन, लोक निर्माण विभाग, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना विभाग इस ओर ध्यान दें। वह जनप्रतिनिधि दोनों क्षेत्र के दोनों विधायक, सुवासरा विधायक हरदीप सिंह और मलहालगढ़ विधायक जगदीश देवड़ा भी इस ओर ध्यान दें। वह जनता की मांग को पूरा करने के लिए, उनकी समस्या दूर करने के लिए रोड को जल्दी बनवाने का प्रयास करें। रिपोर्टर लखन सैन। नाहरगढ़ से बिल्लोद रोड जो लगातार 6-7 साल से जर्जर हालत में है, और ये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना द्वारा बनाया गया था, उसकी भी अवधि समाप्त हो गई। इसके बाद न तो लोक निर्माण विभाग ध्यान दे रहा, न प्रधानमंत्री ग्राम सड़क विभाग की द्वारा कोई मरम्मत की जा रही, और इस बारिश में इतना जर्जर हो गया आज दिन तक, उसके बाद भी कोई यहाँ देखने वाला नहीं मिला। जनप्रतिनिधि दोनों विधायक, सुहासरा विधायक, मलहागढ़ विधायक, दोनों का भी ध्यान इस रोड की ओर नहीं है। और ये पुलिया है जो इस बारिश में नहीं बनती, बारिश के पहले तो 4 महीने पूरी तरह आवागमन बंद होना है, और जिला प्रशासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए, और सभी जनप्रतिनिधि अपनी उदासीनता को दूर करते हुए जागरूकता के साथ ध्यान दें, तभी इस रोड की समस्या का समाधान होगा, नहीं तो अगली बारिश से पहले 4 माह रास्ता बंद होना है। और ये कचनारा से नापागेरा तक डबल रोड बनना चाहिए, और पुलिया बिल्लोद की बनना चाहिए, तभी इसका समाधान होगा। जनहित में सभी को ध्यान देना चाहिए। कहाँ से जा रहे हो? हिंगोलिया बड़ा से आ रहा हूँ। ये नाहरगढ़ से जो बिल्लोद का जो रोड क्षतिग्रस्त है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? हाँ, ये मतलब आने जाने में बहुत दिक्कत आती है, और ये जो अपनी नदी की पुलिया है ना, ये इस पुलिया पे क्या है, बारिश के टाइम पे भी बहुत दिक्कत आती है, क्योंकि पानी इसके ऊपर रहता है, और ये क्या है, पूरा आने जाने के लिए ना बहुत समस्या रहती है। कितने सालों से जर्जर रही है ये? लगभग बहुत साल हो गए इसको, 5-7 साल से मैं देख रहा हूँ, बहुत हालत ख़राब है। क्योंकि आपको बनने की स्थिति लग रही है कि नहीं? हाँ, इस ओर क्या है, प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। लोग जाने का, नीमच जाने का एक रास्ता है, ये कब से जर्जर हालत में है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? ये लगभग 4-5 वर्षों से जर्जर हालत में है, इसी प्रकार से यहाँ पे वाहन गुजरते हैं और काफ़ी परेशानी आती है, और ये रोड लगभग कई गांव, सैकड़ों गांवों को जोड़ता है। इस रोड पे हजारों वाहन रोज डेली निकलते हैं, जिसमें बड़े और छोटे वाहन भी निकलते हैं, और काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है लोगों को। ये 2 तहसीलों को जोड़ने वाला मार्ग है, एक सीतामू तहसील और मल्हारगढ़ तहसील। आपको क्या लगता है कि बनेगा? ये लोक निर्माण विभाग जाने, उन्होंने अभी तक तो इस पर कुछ ध्यान नहीं दिया है, और ना ही किसी जनप्रतिनिधि ने ध्यान दिया है।